इतना बिकैया सब जर गई बाटे कुछ खाए वही में सारी बिको गाना हमारे एक कपड़ा नहीं बचा सब कुछ पैसा कल लाए थे 50,000 रुपया रख के तो उसे नहीं चल गए अभी कल ही लाए थे हम पैसा था और बिको को था सारी सामान वही में रहला घर का बनत पूरा जला हुआ है पूरा नीचे से दिखाइए पैर से पूरा जला हुआ है और ये बचाने के चक्कर में हुआ है क्या जी सर बचाने के चक्कर में हुआ है जी आग बुझा रहे थे नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वर्ल्ड। अभी मैं पडरौना विधानसभा के ग्राम सभा भरपटिया में मौजूद हूं और यहां पे सुबह 7 बजे सिलेंडर फटने से जो कि घर में आग लग गई और आग लग गई अभी इस घर का पूरा घर जल गया धू धू करके जला है पूरा लगभग 7 से 8 घर जला हुआ है और बुरी तरीके से जला हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हट जाइए जैसे देखिए अभी यहाँ पर जला हुआ है और सारा घर का कोई सामान नहीं बचा हुआ है। सभी लोग को यहाँ पे रो रो करके बुरा हाल है। मैं जानूंगा कि आखिर क्या कैसे हुआ था। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो कि रो रही हैं। इनका घर उजड़ चुका है अभी जर चुका है जल चुका है क्या हुआ सारी सामान वही में रहला घर का बनत सिलेंडर से हरा से भर के गई लगर जर गई घरवा ये बाबू केकर घर जोड़ल बा अरे दादा उर्मिला के नुकसान एक कपड़ा नहीं बचा सब कुछ शादी था इनका शादी था जैसे कि देख रहे हैं कि ये रो रही हैं। इनका मतलब जो भी आभूषण वगैरह जो भी खरीदा गया था ये जल चुका है अभी नुकसान हो चुका है और यहाँ के मैं शासन और प्रशासन से चाहूँगा कि यहाँ पे आएँ और यहाँ इन लोगों का वेरिफिकेशन करके जो भी मुआवजा हो उनको मिले क्योंकि सिलेंडर कहीं ना कहीं सिलेंडर का अगर जो जांच हुआ होता कि सिलेंडर किस स्थिति में है उसका अगर जो प्रेशर वगैरह जांच हुआ होता कि प्रेशर कितना है सिलेंडर उसको सहन कर सकता है या नहीं कर सकता है कहीं ना कहीं सिलेंडर में जो प्रेशर होता है वो प्रेशर की वजह से सिलेंडर फटा हुआ है तो अगर जो जांच हुआ होता तो जांच का विषय है अगर जो जांच हुआ होता तो सिलेंडर नहीं फटा होता। अभी हताहत की खबर नहीं है यहाँ पे क्योंकि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे किसी को अभी नुकसान नहीं है किसी आदमी को नुकसान नहीं है जो भी चीज़ें हैं मतलब जली है केवल हाँ जली 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 है ना जी बकरी जली है ना बकरी जला हुआ है ना बकरी जला हुआ अच्छा बकरी और बिल्ली जली हुई है आदमी नहीं जला हुआ जला हुआ पैसा कौड़ी सब धैले रहनी है जब ब्याज पैसा ले लेके जे धैले रहनी है सब जर गई अंदर वा जाके देखी जा कोने का जर जर के कोठा हो गई दिखाइए इधर यही सिलेंडर है क्या यही सिलेंडर है देखिए सिलेंडर जला हुआ है कैसे फटा हुआ है दूसरा फटा हुआ ना ये देखिए जैसे ये सिलेंडर फट चुका है सुबह 7 बजे फटा हुआ है अगर जो आदमी बच गया है भगवान का मतलब शुक्र है कि आदमी इसमें बच गया है और देखिए कैसे जला हुआ है इसमें घर में एक भी चीज़ें नहीं बचा हुआ है एक भी जो कहते हैं सुई भी नहीं बचा हुआ है। घर का पूरा दृश्य दिखाइए इधर भी दिखा दीजिए पूरा अगल बगल का भी दो चार घर इसके लपेटे में आ गया था और बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो बच्ची जो रो रही थी अभी उस बच्ची का शादी था इसी महीने में और अगले मतलब वो लोग बच्ची का शादी के लिए सामान इकट्ठा किए हुए थे एक एक रुपया इकट्ठा कर रहे थे कि बच्ची का शादी करेंगे सपने सजा रहे थे लोग कि उस बच्ची का शादी होगा लेकिन अभी ऐसा हालत हो गया है जैसे देख सकते हैं पूरा घर जला हुआ है पूरा सामान कोई भी सामान निकालने का टाइम नहीं मिला पैसा लाए थे खेत रेहन रखे थे पैसा कल लाए थे 50,000 रुपया रखे तो उसी में जल गए अभी कल ही लाए थे हम पैसा था और बिको को था सब सामान था इसी में बहन को शादी करने के लिए नहीं नहीं वो लोग अलग हैं हम लोग अलग हैं हाँ हमारा अलग था कागज पत्र था कागज वो जो खेत वो का सगड़ी जल गया है हाँ
सर इस बंदे को देखिए, इस आदमी को दिखाइए कि इसका देखिए पूरा जला हुआ है, पूरा नीचे से दिखाइए, पैर से पूरा जला हुआ है, और ये बचाने के चक्कर में हुआ है क्या? जी सर, बचाने के चक्कर में हुआ है जी, आग बुझा रहे थे। तो जैसे देखिए, अभी कुछ लोग इनके घर के लोग थे, जैसे कि ये आग बुझा रहे थे तो इनका शरीर भी झुलस गया है, जल गया है, और इसमें काफी लोग, गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है इस घर में। शासन और प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे आए और जो भी मुआवजा बनता है वो मुआवजा यहाँ पे दी जाए, क्योंकि ये परिवार कहीं ना कहीं बहुत गरीब परिवार है। और दिखाइए इधर, इधर सारा कुछ भी सामान नहीं बचा हुआ है, सारा जल गया है, एकदम धू धू करके जल रहा था। मैं विजुअल दिखाऊंगा क्योंकि कैसे जल रहा था, देखिए आगे दिखाइए, इधर सारा सामान जल चुका है, कोई भी सामान बचा नहीं है, साइकिल था इधर, सारा कुछ भी बचा नहीं है, यहाँ एक भी सामान बचा नहीं है। इधर दिखा दीजिए, सारा दिखा दीजिए, इधर पूरा दिखाइए। ये किनका घर था? वो हमारा घर था, वो हमारा घर जल गया है, हमारा घर भी। अच्छा, आपका क्या नाम है आपका? शंभू। शंभू नाम? हाँ, शंभू नाम है, हमारा घर जल गया, लकड़ी उकड़ी था वो भी जल गया। इसमें जो जला है तीन लोग, रामनाथ, गोविंद, बिरिंद, तीन आदमी थे, तीनों लोगों का जल गया यहाँ से लेकर वहाँ तक। शादी किनके घर था? हमारे घर में था, लड़की रो रही थी, आपकी मेरी बहन है वो। पैसा इकट्ठा किए थे सब जल गया है उसमें। इसमें गाना भी खोता उनका, जो इसमें रखे थे सब यही रखे थे। अच्छा, बहन को शादी करने के लिए सपने सजाए थे, जो सब जल गया इसमें, सब जल गया। गैस किनके घर फटा था? आप ही घर फटा? गैस उनके घर में फटा, गैस उनके घर, वहाँ से छीट के यहाँ आया। गैस बता दूं मैं आपको कि गैस का अगर जो जाँच होता है, प्रेशर जाँच होता है कि कितना उसका वजन, गैस का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कितना सहन कर सकता है। गैस का टंकी जो है ना, वो पतला परत का टंकी है, वो उसमें प्रेशर रहा होगा, वो प्रेशर से फट गया है टंकी। अब फटने की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, एक आदमी भी झुलसा हुआ है, बुरी तरीके से झुलसा हुआ है, जैसे कि मैंने दिखाया आपको। और यहाँ पे पूरा घर, अगल बगल का सारा घर देख सकते हैं अगल बगल में, जो कि पूरा जल चुका है अभी। और यहाँ के शासन प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ आएँ और यहाँ पर वेरिफिकेशन करें, और इन लोगों को मुआवजा दी जाए। और यहाँ पर अगल बगल के लोग हैं, इन लोगों से भी जानूँगा। ये बताइए कि यहाँ पे इन लोगों का घर जला हुआ है, क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से हम लोग यही चाहते हैं, हाँ, कि इन लोगों का मुआवजा मिले, तत्काल व्यवस्था किया जाए। ठंडी का मौसम है, हाँ, मान लीजिए रहने का कोई व्यवस्था नहीं, ना राशन पता ही कुछ नहीं बचा है। अच्छा, सब राख हो गया आपके सामने है, हाँ। नेताओं से क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ के सांसद विधायक हैं? सांसद विधायक जब यहाँ आएंगे तभी ना हम लोग कुछ कहेंगे। यहाँ कोई अभी आए नहीं है लोग, ना विधायक ना सांसद, किसी को पता नहीं है। तो सांसद जी और विधायक जी ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये सोने और चांदी का ये जो गाना है, ये गाना सब जल चुका है, मोबाइल वोबाइल जो था सब कुछ जल चुका है। इधर दिखाइए, ये मोबाइल है, ये सब सोने चांदी का, ये जितना भी इसमें था पूरा जल चुका है। और यहाँ पे सांसद जी और विधायक जी, अगर जो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो यहाँ पे आइए। सरपताही खुर्द ये गाँव है, उसका टोला भरपटिया है, और यहाँ पे तीन से चार घर लपेटे में आए हैं, और लोग यहाँ पे, एक आदमी भी झुलस चुका है, जो कि ये आदमी दिख रहा है, और दो तीन लोग सामान बचाने की वजह से झुलस चुके हैं। अभी लोग यहाँ पे काफ़ी परेशान हैं, और इनको सोने और ओढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर रहने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुछ जल चुका है। तो इन लोगों की जितना हो सके उतनी मदद की जाए, शासन और प्रशासन ध्यान दें और इन लोगों का मदद किया जाए। अभी हमारे साथ इस गांव के ग्राम प्रधान मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या इसमें, प्रधान जी आपके गांव में आग लगी है, क्या इसमें जानकारी है? जानकारी ये है कि मेरे ग्राम सभा के टोला भरपटिया में, हाँ, आग लगी है जी, जिसमें काफ़ी इन लोगों की क्षति हुई है। आज सुबह लगभग 8 बजे लगी थी आग, हमको जानकारी हुआ, तुरंत आए देखे कि गांव के लोग काफ़ी सहयोग किए, बुझाने का प्रयास किए, बुझाने में तत्काल आया यहां पे। तो मौके पे सबसे पहले मैंने अपने थाने को सूचित किया, उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया, अपने लेखपाल को सूचित किया, जो कि मौके पर आ गए। लेखपाल साहब अपना मतलब वो रिपोर्ट लगा रहे हैं। और इन लोगों, आपके द्वारा क्या मदद हो रहा है इन लोगों को? मेरे द्वारा, मैं तीन चार घर नहीं है, 6 घर है जला है। अच्छा। मैंने ये अपने तरफ से ये किया है कि जब तक कि इन लोगों के रहने की कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होती है, तब तक मैंने टेंट वाले से बोल दिया है रजाई गद्दे के लिए। अब उसके बाद से राशन कोटदार को बोला हूँ कि तब तक राशन की व्यवस्था करूँगा, मैं स्वयं साग सब्जी दाल वगैरह इन सब का व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। इन लोगों को मतलब गवर्नमेंट से मेरी यही नम्र निवेदन है कि
तत्काल इन लोगों के रहने का कोई सुदृढ़ व्यवस्था कराया जाए। मैं अपने स्तर से जो भी सांसद जी विधायक जी तक अपने बातों को विधायक जी तो सुनने में आया कि विधायक जी अभी आएंगे यहाँ पे जी, SDM साहब भी आने वाले हैं। अभी सांसद जी से मेरी बात नहीं हो पाई है, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ जी। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ ऑल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।